अपना नाम बताएं। सर मैं सुनील शर्मा, SMC यूनियन प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप भरी रात्रि में जो है हमारे पास आए, हमारे दुखड़ा सुनने के लिए आए और हमारा जो दुखड़ा है आप सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हम अपनी मांगों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे आश्वासन देने के आए थे कि भाई आप हमारे जो 12 वर्ष का हम दंश झेल रहे हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार हमें समय तो दो मिलने का। हम यहाँ कोई तोड़फोड़ करने नहीं आए हैं, ना आपके जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमने कई मर्तबा मैसेज भी पहुँचाया विभाग के थ्रू और हमने माननीय हर्षवर्धन चौहान से भी कहा था कि सर हम आपसे मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री किसी कारण बाहर रहे हैं तो उनसे मिलना भी संभव नहीं हो पाया। तो आज आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारी महिलाएं साथी हैं आज सड़कों पर बैठे हैं, जिसको बिल्डर नेशन बोलते हैं, आज वो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 12 वर्षों से अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है यहाँ पर सड़कों में बैठे हुए हैं। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारे लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले समय में जो है इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, इस बात के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम काफी समय से बड़े दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कईयों मंत्री के आगे हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी स्थायी समाधान जो है नहीं हो पाया है। और आश्वासन के सिवा हमारे एक दो महीने पीछे डेप्यूटेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और सितंबर तक का हमें आश्वासन दिया कि हम सितंबर तक का जो है आपका काम करेंगे, लेकिन आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। मंत्रियों से मिलते हैं वो बोलते हैं कि आपदा हद हो गई, 4500 करोड़ रुपए आप आपदा के लिए देते हैं, लेकिन SMC जो आपका बंद पड़े स्कूल चला रहे हैं उनके लिए आपके लिए आपदा है। बड़ी दुख भरी बात है, बड़े दुख भरे शब्दों से आप सभी के समक्ष जो प्रस्तुत हुए हैं कि आज SMC 2500 SMC अध्यापकों को मजबूरन सड़कों पर बैठना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ न कुछ स्थायी समाधान निकालेंगे, ऐसी हम सरकार से उम्मीद करते हैं। हम शिक्षा मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आप जो है यहाँ पर आए हैं, आपका जो आपकी जो जायज़ मांग है उसको हम जो है कर रहे हैं, पर लेकिन हमारी जो महिलाएं साथी अध्यापिका हैं उनका कहना यही था कि सर हम अपने पूरा परिवार बच्चों को छोड़ करके आपके पास आए हैं, हम बार बार आपके पास नहीं आ सकते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें टाइम पीरियड बता दीजिए, हम इतने टाइम पीरियड में आपका काम करेंगे। और हमने कहा कि सर अगर हमें CM साहब यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हम ऑफ कवर भी आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका काम शीघ्र होगा, पर लेकिन आज तक आश्वासन नहीं मिलते रहे। कई मर्तबा हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, कई बार शिक्षा मंत्री से मिले, उद्योग मंत्री से मिले, पर लेकिन चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था, मैनिफेस्टो में बकायदा सरकार के डाला हुआ है कि हम जैसे सरकार बनेगी हम आपका काम तुरंत करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी समाधान जो है SMC अध्यापकों के लिए नहीं निकाला गया है।